नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। उत्तर प्रदेश के भदोही में जमीन विवाद में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्ष में काफी वक्त से विवाद चल रहा था। अयोध्या में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। डोगरा कंटोनमेंट बोर्ड के पास 18 हैंड ग्रेनेड मिले, सभी हैंड ग्रेनेड नष्ट किए गए। बिहार के पटना में अग्निपथ योजना पर सत्याग्रह कार्यक्रम में पहुंचे कन्हैया का विरोध। गुस्साए युवाओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे के बाद सड़क पर लगा रहा जाम। मध्य प्रदेश के भिंड में पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान हुई हिंसा। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को आरोपी बनाया। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार ने 3 महिलाओं को रौंदा। हादसे का वीडियो आया सामने। 1 महिला की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रेन कैंसर से पीड़ित ऑस्ट्रेलियाई शख्स करोड़ों की ठगी का शिकार। 2 युवकों ने एप्पल मोबाइल कंपनी में साझेदारी का जाली एग्रीमेंट बनाकर करोड़ों रुपए ठगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो। बिहार के हाजीपुर में गहनों के ज्वेलर की हत्या और लूटपाट मामले में सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में कारोबारी सुनील कुमार को बदमाशों ने गोली मार दी और लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो गए। बिहार के नालंदा जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर चली लाठियां। वीडियो हुआ वायरल। पंजाब के डेरा बस्सी में तलाशी के दौरान कुछ युवकों से पुलिस की हाथापाई। पुलिस की गोली से 1 युवक घायल, 1 सिपाही भी हुआ जख्मी। उत्तराखंड के रुड़की में चलती कार में मां और बेटी से गैंगरेप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एक आरोपी की पहचान की गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में कच्चा मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में 2 अज्ञात लड़कों का शव बरामद। दोनों शवों के अब तक पहचान नहीं हुई है। जांच में जुटी पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना के बताए जा रहे हैं मामला। यूपी के कानपुर देहात में मायके से दहेज न लाने के चलते ससुराल वालों ने बहू को 2 मंजिला मकान से फेंका। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। घूमने आए 2 युवक एक छोर पर फंसे रहे। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। अग्निपथ योजना पर हाल ही में हुए हंगामे को लेकर फिर बिहार में आईबी ने किया अलर्ट। उपद्रवी फिर कर सकते हैं गड़बड़ी। पटना पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। पटना यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल पर पुलिस का छापा। कई लड़कों को हिरासत में लिया गया। बम बनाने वाली सामग्री बरामद। गड़बड़ी की आशंका को लेकर पुलिस की छापेमारी। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाक सीमा पर मार गिराया। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया तारबंदी को पार करते हुए कोशिश कर रहा था। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। जबलपुर में बदमाशों ने एक महिला से लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। महिला से बैग, मोबाइल और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में बदमाशों में पुलिस का खौफ। सहारनपुर में घबराए 9 हिस्ट्री शीटर ने थाने में जाकर किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने कहा हिस्ट्री शीटर पर करेंगे कार्रवाई। असम के नगांव में पुलिस ने नशीले पदार्थ को किया बर्बाद। नशीले पदार्थ की कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई। बिहार के सिवान में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से राहत मिली। असम के सिलचर में बाढ़ से भारी तबाही। सड़कों और घरों में लोगों के पानी भर गया है। बाहर निकलने में हो रही दिक्कत। असम में बाढ़ से हाहाकार। कई इलाकों में भरा पानी। असम के सीएम रेस्क्यू बोट से कर रहे हैं दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को मदद का भरोसा दिया। अहमदाबाद में तेज बारिश की वजह से एक मेला पूरी तरह तबाह। हैंडीक्राफ्ट मेले का स्ट्रक्चर बर्बाद। व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। जगह जगह जल भराव की समस्या। कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त। छत्तीसगढ़ के मुंगेरी में भारी बारिश से कई स्थानों पर जल भराव। स्कूली परिसर में पानी जमा होने से लोगों को हो रही है दिक्कत।
केदारनाथ में तेज बारिश के बाद तापमान गिरा। बारिश के बावजूद भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शरद पवार और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन के समय मौजूद रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले आदित्य ठाकरे, हमें जीत का पूरा भरोसा, बागी विधायकों को सामने आना पड़ेगा। शिंदे गुट ने महाविकास अघाड़ी से समर्थन वापस लिया। शिंदे गुट ने राज्यपाल को समर्थन वापसी के लिए चिट्ठी लिखी। सीएनएन न्यूज 18 के हवाले से खबर, दो तिहाई विधायकों के समर्थन का दावा। महाराष्ट्र के ठाणे में शिंदे गुट का जोरदार प्रदर्शन, भारी संख्या में जुटे शिंदे गुट के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे के खिलाफ की नारेबाजी। शिंदे गुट के प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के अलावा QRT टीम भी तैनात। शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन, जमीन घोटाले को लेकर भेजा समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी का पहला बजट पेश। 1 जुलाई से पंजाब में हर घर को मिलेंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होगी। फर्जी दस्तावेज से साजिश करने के मामले में गिरी तीसा सीतलवाड़ के पुराने सहयोगी का बड़ा आरोप। रईस अहमद का बयान, कहा न्याय दिलाने के नाम पर पीड़ितों से उगाही करती थी तीसा सीतलवाड़। विशेष CBI अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्याय के रास्ते बढ़ाने से इनकार किया। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा। केरल के कोच्चि में एक्टर विजय बाबू से पुलिस की पूछताछ जारी। अभिनेता विजय बाबू पर यौन शोषण का आरोप है। प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारी पूरी की। 30 जून से यात्रा की हो रही है शुरुआत। भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 21 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग केस। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच सेवरोदोनेस्क शहर में आम जनता परेशान। घर के बाहर अस्थायी चूल्हा बनाकर खाना बनाती दिखी महिला। यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। बारूद के गोदामों से उठता दिखा काला धुआं। यूक्रेन की सेना ने रूस की बख्तरबंद गाड़ी और टैंक को बनाया निशाना। वीडियो में भागते दिखे रूसी सैनिक। यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार। रामेश्वरम पहुंचे श्रीलंका के 2 शरणार्थी। पुलिस की टीम श्रीलंका के दोनों लोगों से कर रही है पूछताछ। पुलिस की जांच तेज। सेंट्रल कोलंबिया में बुल फाइट के दौरान स्टेडियम का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल। फिलीपीन सागर में गोताखोरों ने 78 साल पहले डूब चुका जहाज का मलबा निकाला है। जहाज USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स का है और कहा जा रहा है कि 23,000 फीट की गहराई से बरामद हुआ है मलबा।